हमारे इतिहास के पन्नों में कितने ही साम्राज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं तथा वीर गाथाएं अंकित हैं, जिनके साक्षी रहे हैं अतीत के दस्तावेज ये दुर्ग, महल, समाधियां, छत्रियां, अपने अवशेषों में अतीत को संजोए हुए। कौन थे वे लोग, कैसा था उस समय का जीवन, यह जानने के लिए आइए पलटें अतीत के पन्नों को। 15वीं शताब्दी का समय, भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, उनमें से एक था मेवाड़, जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा था। यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था। अनेक राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ति थे। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था, जिनका मुगलों के साथ बराबर विरोध बना रहता था। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक प्रमुख शूरवीर का नाम उभरता है। यह नाम है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप शौर्य के प्रतीक, मातृभूमि पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता के पुजारी। वीर प्रताप की शौर्य गाथाओं से अरावली की घाटी आज भी गूंज रही है। मेवाड़ के दो प्रमुख किले हैं, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुंभा और राणा सांगा ने मेवाड़ की कीर्ति को शिखर तक पहुंचाया। उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ। यहीं इसी स्थान पर कुंभलगढ़ के तत्कालीन महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंती बाई का पुत्र प्रताप। मेवाड़ का उत्तराधिकारी, प्रजा का दुलारा, भीलों की देखरेख में पला बड़ा, जिसे प्यार से वे कूका कहते थे। मेवाड़ का भावी महाराणा वनवासियों के साथ बेहद प्रसन्न रहता। देश प्रेम की ज्वाला उसके हृदय में सदा प्रज्वलित रहती, जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। मेवाड़ सदा से ही मुगलों की आंख की किरकिरी रहा और युद्ध होते रहे। मेवाड़ का राजनीतिक महत्व तो था ही, साथ ही वह गंगा भूमि के व्यापार मार्ग को पश्चिमी तट से जोड़ता था।
अतः मेवाड़ को अपने अधीन करना मुगल शासकों के लिए जरूरी हो गया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें तो पाएंगे कि उस काल में महत्वाकांक्षी मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे भारत में छा चुका था। अनेक राजपूत सरदार, यहां तक कि राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और परिणाम स्वरूप उन्हें मिले थे ऊंचे ओहदे, ऊंची पदवियां और जागीरें। पर राणा प्रताप अकबर जैसे महापराक्रमी सम्राट के सामने नहीं झुके। कहा जाता है कि 28 फरवरी सन 1572 को होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्याभिषेक हुआ। जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें न कोई राजधानी मिली न साधनों का जरिया। वे बहुत कम साधनों से ही मुगल सम्राट से जूझते रहे। प्रताप ने हर संकट को चुनौती समझा और इससे उनके संकल्प और अधिक मजबूत होते गए। अकबर ने राणा प्रताप को यह समझाने के लिए कि वह उनकी अधीनता स्वीकार कर लें अनेक दूत भेजे, पर राणा स्वाभिमानी थे, देशभक्त थे, वे नहीं माने। उनका राजसी वैभव छूट गया, किंतु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जैसी उनकी पैनी तलवार थी वैसा ही चौकन्ना था राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक। यदि मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो पाएंगे कि इसका अधिकांश भाग पथरीला और पहाड़ी है। आसपास जंगल हैं और जनजातियों की बस्तियां हैं। राणा प्रताप ने जनजातियों के रणबांकुरों को अपने साथ लिया और युद्ध की तैयारियां करते रहे। जून सन 1576 ईस्वी को अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक ओर राजा मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना थी। कहा जाता है इस सेना में 10,000 घुड़सवार थे और हजारों पैदल सिपाही थे। दूसरी ओर राणा प्रताप की सेना में केवल 3,000 घुड़सवार और मुट्ठी भर सैनिक थे, मगर ये सैनिक मातृभूमि पर मर मिटने वाले रणबांकुरे थे। यही वह विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी है जहाँ से होकर प्रताप की सेनाओं ने इस घाटी को पार करके उस पार खमनौर के समीप खड़ी मुगल सेनाओं से संघर्ष किया था। इस घाटी की विशेषता यह है
कि इस घाटी के जो मिट्टी है उसका रंग पीलापन लिए हुए है, इसीलिए हल्दी के समान रंग वाली मिट्टी का होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। ये बहुत ही तंग दर्रा है जिसमें से होकर प्रताप की सेनाओं ने आगे बढ़ करके मुगलों की सेनाओं का विरोध किया था। ये रक्त तलाई है। रक्त तलाई का अर्थ है कि जहाँ पर खून की तलाई भर गई थी, खून का तालाब बन गया था। आपको विदित है कि इस ओर हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी का जो मुँह है वो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। इसी तरफ बाई ओर मुगलों की सेनाओं का पड़ाव था। ये जिस ओर आप अभी ये बम्बूल के पेड़ हैं, इन पेड़ों के पीछे उस ज़माने में केवल सीधा मैदान था और उस मैदान की जो सीमा है वो आगे बनास नदी से मिलती है। जो मुगलों की जो सेनाएं थी वो उस बनास नदी के किनारे से इस प्रदेश से इस भाग से बढ़ती बढ़ती इस स्थान तक आई थी। मुगलों की सेनाएं हल्दी घाटी के मुँह तक पहुँची थी। प्रताप की सेनाओं ने उनको खदेड़ते खदेड़ते लगभग 1.5 किलोमीटर तक यहाँ ले आए। यही वह स्थान है जहाँ पर मुगल सेना के सेनापति मानसिंह के हाथी पर प्रताप ने अपने घोड़े पर छलांग लगाई थी और यही वह स्थल है जहाँ पर चेतक का पिछला पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार के कारण कट गया था। यही वह स्थल है जहाँ पर हकीम खां सूर ने प्रताप को सलाह दी थी कि वो पीछे लौट जाए क्योंकि उसके प्राण संकट में थे। यही वह स्थान है जहाँ पर इसके साथ चलने वाले वीरों ने अपना बलिदान दिया था। झालामान ने अपने सर पर छत्र रख करके ये कहना प्रारंभ किया कि महाराणा प्रताप मैं हूँ, और इस प्रकार भयंकर अंतिम युद्ध की जो परिणति है वो यहाँ पर खून की सरिता के रूप में हुई थी। यहाँ पर एक वीर विशेष का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, वीरवर पूंजा, जिसके कि साथी लोग इन पहाड़ियों के अंदर पीछे की ओर की पहाड़ियों के अंदर थे, उन्होंने पीछे से पत्थर बरसाने प्रारंभ किए थे। और यहाँ पर एक वीर जो कि इस ओर इस छतरी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये राम सिंह तंवर की है जो ग्वालियर का महाराजा था और वो भी इस लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मौजूद था और यहाँ पर अब लड़ता हुआ मारा गया। और ये वह मध्य स्थल था जहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ पर लाशें पट गई और चारों ओर से घमासान होने लगा। हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो गया। राणा प्रताप के हाथ से गोगुंदा का किला और कुंभलगढ़ निकल गया, लेकिन प्रताप का मस्तक नहीं झुका। हल्दी घाटी युद्ध समाप्त हो जाने पर भी महाराणा प्रताप का संघर्ष जीवन भर चलता रहा। पराजित हो जाने पर भी अरावली की घाटी गूंज उठी प्रताप की कीर्ति और पराक्रम की गाथा से। प्रताप की यशोगाथा मेवाड़ तक ही सीमित नहीं रही बल्कि समूचे देश में फैल गई। हल्दी घाटी रंगी खून सोना लो बहियो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सोना लो बहियो जाए, चमकी मेवाड़ी तलवार बैग्या खूनारा पर नाल राणा सुनता जा जो जे, सुनता जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता जा जो जे मा मेवाड़ी सिरदार नील घोड़ारा असवार राणा, सुनता जा जो जे। राणा ने जंगल में शरण ली। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के सामने समस्या थी कि राजधानी कहां ले जाएं। उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर एक स्थान था चावंड। चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुंचने के लिए लंबा पहाड़ी रास्ता पार करना पड़ता था। यहां पानी की भी सुविधा थी। यहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था मजबूत की। राणा प्रताप ने भामाशाह और भील सरदारों के साथ मिलकर धन और जनशक्ति संगठित की। राणा प्रताप ने छापा मार युद्ध जारी रखा। सन 1579 के बाद राणा पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ, क्योंकि अकबर का ध्यान अब पूर्वी भारत के विद्रोह और उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती गतिविधियों पर था।
राणा ने अवसर का लाभ उठाकर चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ अपने राज्य का एक प्रमुख हिस्सा वापस हासिल कर लिया और मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हो गया। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के सिंह राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खाकर घायल हो गए और 19 जनवरी सन 1597 को चावंड में ही महाराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराणा प्रताप ने ऐसे ऊंचे आदर्शों को स्थापित किया जो देश और काल की सीमा से परे मातृभूमि प्रेम और स्वाभिमान को निरंतर प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राण परताप अकबर सूतो ओझ के जान सिराणे साब हमारा मेवाड़ी सिरदार लील घोड़े रा अश्वार राणा सुन तो जाए जो जे मारा मेवाड़ी सिरदार नील घोड़े रा अश्वार राणा सुनता जाए जो जे सुनता जा जो जी मेवाड़ी राणा सुनता जा।